विभिन्न शहरों में हुई आगजनी की घटना के बाद परिषद की टीम दिखी अलर्ट। नगर परिषद किशनगढ़ की टीम ने शहर की विभिन्न बिल्डिंगों में फायर उपकरणों के साथ एनओसी की जांच की। नगर परिषद आयुक्त मुकेश चौधरी के सुपरविजन में फायर इंचार्ज रामप्रसाद चौधरी के नेतृत्व में फायर की टीम ने विभिन्न कॉम्प्लेक्सों की जांच की। जांच में पाया गया कि कहीं फायर उपकरण नहीं है तो कहीं एनओसी नहीं है। यहां पर कई कॉम्प्लेक्स मालिकों को नोटिस भी थमाए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि लंबे समय से बिना फायर एनओसी के ही कई कॉम्प्लेक्स चल रहे थे। इसके अलावा जांच में चार कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनमें फायर सेफ्टी उपकरण तो लगे हुए हैं लेकिन एनओसी नहीं थी। आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि टीम सबसे पहले अजमेर रोड स्थित महेश विवाद बिल्डिंग का निरीक्षण किया, जिसमें आगजनी की बचने के लिए उपकरण तो थे लेकिन फायर एनओसी नहीं ली गई। इसी तरह ओसवाली मोहल्ले में चार कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया गया, उनके पास न तो फायर उपकरण मिले न एनओसी हुई गई। साथ ही बिल्डिंग में आग लगने के बचने के लिए कोई उपकरण भी नहीं थे। इन सभी को 7 दिन का नोटिस देकर उपकरण व एनओसी लेने की बात की। बता दें आज नगर परिषद की टीम शहर की विभिन्न बिल्डिंगों का निरीक्षण कर फायर उपकरण की जांच कर एनओसी की जांच की गई। नगर परिषद ने विभिन्न बिल्डिंग मालिकों को नोटिस देकर 7 दिनों में कार्रवाई की बात कही, नहीं तो बिल्डिंग सीज होने की भी बात कही। नगर परिषद आयुक्त मुकेश चौधरी के सुपरविजन में पहुंची नगर परिषद की टीम। Thank you.